एडमिशन ओपन नाउ माउंट एरा कॉन्वेंट स्कूल क्लास नर्सरी टू 8 इंग्लिश मीडियम बेस्ट फैकल्टीज मेंबर्स ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स आई केयर ट्रेंड टीचर्स मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर्स वैन फैकल्टीज अवेलेबल बिग प्लेग्राउंड पैडागॉजिकली डिजाइंड करिकुलम सीसीटीवी सर्वाइलेंस इन ऑल क्लासेस एड्रेस नियर यमुना प्रसाद शास्त्री मूक बधिर स्कूल तोपखाना रीवा मध्य प्रदेश। गत दिवस दहेज लोभियों का शिकार एक नवविवाहिता की मौत हुई थी। परिजनों के द्वारा पहले ही स्थानीय पुलिस पर कार्यवाही ना करने के आरोप लगाए जा रहे थे। 2 अप्रैल को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीवा पहुंचे, जहां सभा स्थल पर परिजनों ने पहुंचकर मिलने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन और मौजूद नेताओं ने उन्हें मिलने नहीं दिया। जैसे ही मुख्यमंत्री मंच से नीचे उतरे, तभी परिजनों ने उन्हें घेर लिया और जमकर हंगामा किया। हालांकि मुख्यमंत्री तो वहां से निकल गए, लेकिन परिजनों का हंगामा जारी रहा। आपको बता दें कि गत दिवस ज्योति पांडे पत्नी गौरव पांडे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया था कि 2 वर्ष पहले नवविवाहिता का विवाह हुआ था। नवविवाहिता को उसकी ननद शिवानी, ससुर राजेंद्र, पति गौरव और सास प्रताड़ित कर रहे थे। इतना ही नहीं, ससुराल वालों के द्वारा बताया गया था कि नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है, लेकिन उसके सिर और शरीर के अन्य अंगों पर चोट के निशान मिले थे। परिजनों ने प्रशासन पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है। आइए दिखाते हैं पूरा हंगामा और सुनाते हैं पीड़ितों को पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है और उनकी क्या मांगे हैं।
उसकी ननद शिवानी पांडे, उसका ससुर राजेंद्र पांडे, उसका पति गौरव पांडे हमारी बेटी का बलात्कार करके उसका ससुर और साथ में उसका पति भी उसके साथ में था, अपने बाप के साथ में उसका गला घोट के मार दिया, फांसी पे लटका दिया। मरने के बाद जब संजय गांधी पहुंचा दिया, इसके बाद ससुर मतलब मायके में फोन किया, आपकी बेटी फांसी लगा के मर गई। उसके शरीर में पूरे जख्म, उसके शरीर में पूरे जख्म था, यहाँ सीना के बीच उसको नोच नोच के घाव हुए थे। ऐसी लड़की थी अपने से कभी आत्महत्या नहीं कर सकती थी, उसको मार दिया गया। ये शिवपुर का मामला है, दहेज की कार्रवाई नहीं, दहेज एक लड़की थी मार दिए, न कोई लड़का न लड़की, बस एक लड़की थी। सीएम से मिलना था, बोले कि मिलेंगे, खड़े थे बाहर, पुलिस वाले बोले कि मत जाइए, अभी मिलेंगे। नहीं मिला, कोई इंसाफ हम लोगों को नहीं मिला, नहीं हम लोग को वो कर लिए, जाने नहीं दे रहे थे, गेट बंद कर लिए थे, मिलेंगे सीएम, हम लोग इंतजार में ऊपर जा रहे थे तो जाने नहीं दिए सीएम साहब से मिलने के लिए। ज्योति तिवारी की हत्या बार बार इसको प्रताड़ित करते थे दहेज के लिए, और दहेज आप बोलिए उसको दहेज के लिए मारते थे, पीटते थे। एकलौती लड़की थी, हमारे लड़के नहीं थे, सिर्फ लड़की, उसको बोलते थे अपने, जब अपने बाप को बोल के जमीन अपने नाम करा, फिर मेरे लड़के के नाम करा, वो करने को नहीं तैयार थी, बोले हमारे पापा कर देंगे, अभी क्या जरूरत है। उसके बजाय से बात बढ़ते बढ़ते उसको मार डाले, उसका रेप करके उसका ससुर मार दिया, मार डाले, मारने के बाद बोलते हैं डुप्लीकेट फांसी लगा दिए उसको, मारे और मिलने नहीं दिए सर, यहाँ सब सादिस्ट रचे, और यहाँ हम मंत्री जी से मिलने आए, कोई पुलिस वाला हमको मिलने नहीं दिया, हमने जो कंप्लेन दिया, जो कागज दिया उसको हटा दिए, उसको फेंक दिए। अभी 30 तारीख की घटना, 29 तारीख की घटना, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, सब शांति से वहाँ जी रहे हैं। टीआई साहब है उल्टा सीधा बोलता है, टीआई साहब कल उल्टा सीधा बोल रहा था, तुम लोग ज्यादा होशियार हो, डीएसपी साहब ज्यादा होशियार है, ऐसा बोल रहा था वो।
सब मिली भगत, सब रुपया खा के क्या है। आपकी यदि इस जगह बहन बेटी रहती तो आप क्या करते, और हमारी तो इकलौती लड़की थी। हम किसको धंधेरा डेरा देते थे, अपनी लड़की को ही देते थे साहब, किसी दूसरे को नहीं। 17 तारीख को बुलाया गया, 30 तारीख को मार दिया गया मेरी लड़की को साहब। बताइए साहब, हमको न्याय दिलवाइए, आज के आज ही न्याय दिलवाइए। हमको कोई मतलब नहीं किसी से, हम जान दे देंगे, जान ले लेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी हमारे संवाददाता मनीष दाहिया ने लाई है। मेरा नाम स्वाति और आप देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। एडमिशन ओपन नाउ माउंट एरा कॉन्वेंट स्कूल, क्लास नर्सरी टू 8, इंग्लिश मीडियम, बेस्ट फैकल्टीज मेंबर्स, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स, आई केयर ट्रेंड टीचर्स, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वैन फैकल्टीज अवेलेबल, बिग प्ले ग्राउंड, पैडागॉजिकली डिजाइंड करिकुलम, सीसीटीवी सर्वाइलेंस इन ऑल क्लासेस। एड्रेस नियर यमुना प्रसाद शास्त्री मूक बधिर स्कूल, तोपखाना, रीवा, मध्य प्रदेश।